नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है दोस्तों लेफ्टर ब्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं अभी हम मुरैना में हैं दोस्तों, जो कि मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। और आज हम आए एक महाभारत से रिलेटिव एक जगह पर दोस्तों, जो काफ़ी पॉपुलर है। महाभारत में आपने कर्ण, महाबली कर्ण का नाम सुना होगा। और ये इस मंदिर पर हम जा रहे हैं जहाँ कुंती माता को कर्ण एक साधु देवता ने कर्ण पुत्र का वरदान दिया था, उसी मंदिर पर हम आए हैं दोस्तों। सो आइए इस ऐतिहासिक जगह पर दर्शन करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है दोस्तों लैपटॉप ब्लॉग। अभी हम हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पर दोस्तों माता कुंती ने जो कर्ण थे, महाबली कर्ण थे, उनको ये नदी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस नदी से दोस्तों बहाया था। क्योंकि जैसे ये कुंती मंदिर ही बोला जाता है, माता कुंती मंदिर ही बोला जाता है, जिसे अभी प्रेजेंट की भाषा में हम लोग सब लोग बोलते हैं कुंवर मंदिर, यानी कि कुंवर टेंपल। सो यहाँ पर ही माता कुंती ने उनको कर्ण जी को नदी में बहाया था। तो इतिहास के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, जितना मुझे जानकारी है, जितना मैंने सर्च किया है, तो उस बारे में अगर बताना चाहूँ तो ये है कि उस समय के जो ऋषि मुनि थे वो यहाँ पर आए थे माता कुंती के पास। तो ऋषि मुनि की माता ने काफ़ी सेवा की थी, जिस कारण से वो सेवा भाव से प्रसन्न होकर जो ब्राह्मण देवता थे, साधु महाराज थे, उन्होंने कुंती जी को, कुंती माता को वरदान दिया था पुत्र का, कि आप, और एक मंत्र दिया था साथ में कि आप भगवान सूर्य की प्रार्थना करेंगे और ये मंत्र का जाप करेंगे तो आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और जो ब्राह्मण देवता थे वो चले गए थे, मतलब जो साधु थे वो चले गए थे। उसके बाद दोस्तों क्योंकि कुंती माता को काफ़ी उत्सुकता हुई वो मंत्र के जाप की, तो इसी नदी पर जो मैं आपको दिखाने में जा रहा हूँ, इसी नदी पर वहाँ पर उन्होंने इस मंत्र का जाप किया। और इसी यहीं पर भगवान सूर्य प्रकट हुए थे, वो जगह भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ प्रकट हुए थे भगवान सूर्य, जिन्होंने कुंती माता को पुत्र का, कर्ण जी को माता कुंती की गोद में डाल दिया था। लेकिन उनकी उस समय दोस्तों शादी नहीं हुई थी, अविवाहित थी, इस कारण से समाज के डर के भाव से उन्होंने श्री कर्ण को इस नदी में बहा दिया था दोस्तों। सो आइए इस ऐतिहासिक जगह को देखते हैं, कुंवर मंदिर दोस्तों। आइए देखते हैं कुंवर मंदिर को मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। सो फ्रेंड, चलते हैं नीचे जो आसन नदी है, जहाँ से कुंती माता ने महाबली कर्ण को बहाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। मंदिर की बात करें तो ये मंदिर है दोस्तों, और यहाँ पर शायद भगवान सूर्य जो प्रकट हुए थे उस जगह नीचे को जाता है रास्ता। तो मैं नीचे के लिए रास्ता जाता है जहाँ भगवान सूर्य प्रकट हुए थे, सो उसी जगह हम जा रहे हैं दोस्तों। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड, नीचे आसन नदी में ही वहाँ पर जो कुछ निशान है, वहीं पर सूर्य भगवान का जो रथ था वो उतरा था, जहाँ पर कुंती माता को उन्होंने वरदान दिया था। और आज भी उस जगह पर, उस नदी में दोस्तों, वहाँ पर सूर्य भगवान के जो रथ के खुर के निशान पैरों के हैं वहाँ पर। आइए देखते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर स्थानीय निवासी, मैंने पूछा कि भगवान सूर्य जब प्रकट हुए थे, जिन्होंने माता कुंती को वरदान दिया था पुत्र का, कर्ण जी का, तो कहाँ पर, तो वहाँ पर उनके घोड़ों के जो खुर के निशान हैं वो यहाँ पर दोस्तों आज भी है, सोच लीजिए कि उस। सो दोस्तों, इससे पता चलता है कि काफ़ी ऐतिहासिक जगह है, और मैंने कि जैसे कि बताया महाभारत के समय की जगह है। यहाँ लेफ्ट हैंड में आप देख रहे होंगे जो ये नदी है, पानी इसलिए कम है दोस्तों क्योंकि अभी इस पर एक डैम बना दिया गया है, इस कारण से अभी आपको इसमें पानी कम दिख रहा है। नहीं तो अगर पहले की बात करें तो बहुत पानी होता था उस समय। ये कुआ आपको शायद अभी बनाया हुआ है क्योंकि पिछला समय का तो नहीं लगता, लेकिन इसी के जस्ट बगल से जो सूर्य भगवान थे अपने रथ से उतरे थे कुंती माता को वरदान देने के लिए, सो जो उनके जो रथ में घोड़े लगे हुए थे उनके पैरों के निशान आज भी बने हुए हैं, और काफ़ी ऐतिहासिक जगह है दोस्तों। यहीं आसपास, इसी मंदिर के आसपास माता बसैया हैं, जो कि चंबल संभाग में काफ़ी पॉपुलर हैं, और उनकी बहन का भी मंदिर बगल से ही है।
तो दोस्तों काफ़ी अगर आप यहाँ पर आएंगे तो दो तीन जगह आप अच्छे से देख पाएंगे। अब मैं भी यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ, तो आइए देखते हैं किस जगह खुर के निशान है। खुर के निशान है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब यही बताया कि आसपास कुओं के पास खुर के निशान हैं जो मिल जाएंगे आपको, तो मैंने भी नहीं देखे इसलिए मैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कहाँ होंगे वो खुर के निशान। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये एक एक खुर के जो पैर के निशान हैं इस जगह ही बिल्कुल नदी के बगल से, जैसा कि लिखा भी हुआ है किताबों में कि नदी के बगल से ही भगवान सूर्य प्रकट हुए थे, यहाँ पर कुंती माता को उन्होंने पुत्र का वरदान दिया था। तो ये आप खुर देख पा रहे होंगे, ये देखिए सो बिल्कुल ऐतिहासिक जगह है दोस्तों, और देखिएगा बिल्कुल, और पीछे नदी भी रही है काफ़ी। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो ये जो मंदिर है कुंती माता का, वसैया माता और कुंती माता एक दो तीन चार किलोमीटर का डिफरेंस होगा दोनों मंदिरों के बीच में। अगर आप ग्वालियर चंबल संभाग से बिलोंग करते हैं तो आप बिल्कुल जानते होंगे कि तो ऐतिहासिक जगह पे हैं दोस्तों आप, जो आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है दोस्तों लैपटॉप ब्लॉग पर। काफ़ी समय बाद मैं ब्लॉगिंग जब करता हूँ तो उस समय के बाद मैं काफ़ी कम बोलता हूँ, बैकग्राउंड में ज़्यादा वॉइस डालता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत डिफरेंस दे सकूँ, थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकूँ। तो आइए देखते हैं अपने YouTube ब्लॉग को, इसका नाम है दोस्तों लैपटॉप ब्लॉग। ये सामने ही आप मंदिर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जस्ट सामने ही मंदिर है, और यहाँ से वहाँ उस तरफ वसैया माता का मंदिर है, और यही वो जगह है जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ, यही वो आपको खुर के निशान दोस्तों दिख रहे होंगे, यहीं सूर्य भगवान कट हुए थे और यहीं उन्होंने कुंती माता को वरदान दिया था पुत्र का, इसी नदी के किनारे दोस्तों, और यही वो नदी है जैन का, ये उनका मंदिर है, और यहाँ से वो नीचे आके उन्होंने उनको जी को बहा दिया था दोस्तों। सो अब चलते हैं दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के लिए, जहाँ पर कुंती माता का मंदिर बना हुआ है और सूर्य भगवान की मूर्ति भी स्थापित है दोस्तों यहाँ पर, और भगवान शिव का शिवलिंग भी स्थापित है दोस्तों। आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ये जो भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित है वो रामायण के समय का शिवलिंग है दोस्तों, ये और ये शिवलिंग की स्थापना भगवान लक्ष्मण ने करवाई थी, यानी कि आप ये समझो कितनी दोस्तों ऐतिहासिक जगह है ये, जो आप वीडियो में शिवलिंग देख पा रहे हैं सामने, इस शिवलिंग को स्थापित भगवान लक्ष्मण ने किया था दोस्तों, उन्होंने ही इस शिवलिंग को स्थापित किया था, मतलब कितना पौराणिक जगह है दोस्तों और कितनी इसकी मान्यता है। यहाँ के जो मंदिर के पुजारी हैं हम उनसे भी जानेंगे इस मंदिर के बारे में। और एक मान्यता और है, ये शिवलिंग का आकार दोस्तों साल में करीब एक या दो बार घटता और बढ़ता है दोस्तों, ऐसी मान्यता है, क्योंकि जो पुजारी हैं मंदिर के उन्होंने ही मुझे इस बारे में जानकारी दी है, कितना पौराणिक ये जगह है दोस्तों। और इसी शिवलिंग की पूजा करती थी माता कुंती, और यहीं पर उनका मंदिर भी है, ये आप राइट हैंड पे जाएंगे तो यहाँ पर माता कुंती का मंदिर भी बना हुआ है दोस्तों। सो ये रहा माता कुंती का भी मंदिर, और यहाँ पर जो मंदिर की पुजारी हैं हम उनसे जानेंगे इस मंदिर के बारे में। सो आइए जानते हैं दोस्तों, सो मंदिर की पुजारी से जानते हैं दोस्तों, आइए वो इस हमें मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो देखते हैं। जय श्री राम बाबा जी। हाँ बताइएगा थोड़ा सा मंदिर के बारे में। ये शिव जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो त्रेता युग में लक्ष्मण जी के हाथ से हुई है। अच्छा, कुंतलपुर नगर की नींव लगाई है उस समय ये प्रतिष्ठा कराई है। अच्छा, और ये घटती बढ़ती रहती है, जो प्रतिमा है वो घटती बढ़ती रहती है, और इस समय जो इस क्षेत्र के बुजुर्ग हैं 70-80 साल के जो पुराने हैं वो बताते हैं कि हमने ये छोटे देखे हैं शिव जी पहले। अच्छा, और ये बढ़ रही है, मतलब उस समय क्या नाम है लक्ष्मण भगवान जी ने क्या नाम है इसका वो करवाया था, प्रतिष्ठा कराई थी। मंदिर का निर्माण भी समय समय पर होता रहता है, त्रेता युग काफी प्राचीन समय से मंदिर का निर्माण समय समय पर चलता रहता है, जब जैसी जरूरत पड़ती है तब तैसा बन जाता है, छोटा बड़ा
पत्थर का, शीशी का, जैसा। और जैसे क्या नाम है, भगवान सूर्यदेव की जैसे वो मूर्ति बनी हुई है, तो वहाँ पर नीचे बताया गया है कि जब कुंती माता ने उनसे, उनके जो साधु महाराज थे, उन्होंने मंत्र दिया था कि आप इनका प्रस्थान करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, तो उस समय जब आई थी क्या नाम है, सूर्य भगवान प्रकट हुए थे नदी के पास, तो वहाँ पर उनके घोड़ों के जो खुर के निशान थे वो जस्ट कुएं के, जो मैंने जैसे दिखाया था अभी, तो वही कुएं के बगल से जो खुर के निशान है वही है, उसमें जो निशान है वो सब भगवान सूर्य के रथ के घोड़ों की टापे हैं। हाँ, कुछ नदी के पहली पार भी है, कुछ अहली पार, दोनों साइड में बनी हुई है, कुछ क्षेत्र मतलब डूब में आ गया पानी में। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ क्षेत्र और दोनों साइड में घोड़ों की टाप के निशान बने हुए हैं। वो मंत्र परीक्षण किया था यहाँ कुंती जी। हाँ, वही मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था उसके बारे में। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय श्री राम, जय श्री राम। सो फ्रेंड्स, आइए दर्शन कर लेते हैं भगवान सूर्य के, जो यहाँ पर प्रकट हुए थे, जिन्होंने कुंती माता को पुत्र का वरदान दिया था, जो साधु दीप्ता ने कुंती माता को मंत्र दिया था जिसका जाप करके सूर्य भगवान प्रकट हुए थे, और उन्होंने करण जी को पुत्र के रूप में वरदान प्राप्त हुआ था दोस्तों। सो यहाँ पर ये जगह दोस्तों, ये भगवान सूर्य मंदिर है, और ये आपको आश्रम नदी सामने दिख रही होगी, ये नीचे जाके मैंने अभी आपको दिखाया था भगवान सूर्य के रथ के खुर के निशान, और ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं, काफ़ी विशाल जगह है और काफ़ी बड़े बड़े मंदिर पॉपुलर हैं यहाँ पर, जैसे वशिष्ठ माता और उनकी बहन का भी मंदिर है, और ये खड़ी है मेरी कार जिससे मैं आया हूँ ब्लॉगिंग के लिए दोस्तों। सो आइए, सो दोस्तों ये है सूर्य भगवान का मंदिर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपने रथ पर सवार होकर सूर्यदेव भगवान, तो यही मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया, भगवान शिव की मूर्ति है, शिवलिंग है, उसकी पूजा करती थी माता कुंती, और साधु देवता ने उनको वो जो मंत्र दिया था उसके द्वारा ही सूर्य भगवान प्रकट हुए थे, सूर्य भगवान ने पुत्र धन की प्राप्ति का उन्हें वो दिया था दोस्तों। सो देखते हैं, वीडियो आपको पसंद आया तो अच्छा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुरैना डिस्ट्रिक्ट ब्लॉग में दोस्तों, बसी वाली माता और माता कुंती।